तो अभी करते हैं सबसे पहले बाइक का टैंक फुल। भाई टैंक फुल करने के बाद निकलेंगे आगे, तो टैंक फुल करवाते हैं भैया से। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ नक्श मेहरा एंड यू आर वॉचिंग नक्श मेहरा व्लॉग्स। तो आज का जो प्लान था वो एकदम से बन गया। रात को भाई की कॉल आई थी कि भाई सुबह निकलना है, तो हम निकल चुके हैं बगलामुखी माता मंदिर, जो कि हिमाचल में बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। मेरे साथ मेरा पिलियन राइडर है मोहित, जिसकी बाइक है, एंड मैंने थोड़ा कैमरा एंगल भी सेट किया है। मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो व्यू आ रहा है ये आपको कैसा लगा। ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे थे ना रोड, ये चला गया सीधा चंबा, और जो आगे वाला रोड है ये चला गया मनाली की तरफ। एंड अभी निकलते हैं आगे, और जो भी रहेगा मैं आपको साथ साथ में वीडियो के बताता जाऊंगा। तो यार ये जो आप पुल देख रहे हो ना यार, ये सबसे प्यारा पुल लगता है, चक्की पुल है इसका नाम। एंड ये कनेक्ट करता है हिमाचल को पंजाब के साथ। और जो मेरे राइट साइड क्रेन लगी हुई है ना, यहाँ पे साथ ही में छोटी लाइन चलती है रेलवे की, जो पठानकोट से हिमाचल तक, मतलब कांगड़ा, ये सब कुछ कवर करती है। एंड हमारे हिमाचल में एंट्री होती हुई, और कितना प्यारा गेट बनाया है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से हमने हिमाचल एंटर कर चुके हैं। अब हिमाचल एंटर करने के बाद यहाँ पे एक चेक पोस्ट पड़ता है, सबसे पहला चेक पोस्ट पड़ता है। अगर आप अपने फोर व्हीलर पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे पर्ची भी कटवानी पड़ेगी, कोई 40 या 50 रुपए की पर्ची कटती है, बट टू व्हीलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। बट टू व्हीलर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स जो बाइक के हैं वो कंप्लीट रखने होंगे। अगर वो पिलियन राइडर के साथ है तो दोनों को हेलमेट मस्ट है। एंड यहाँ लग गया है फोर लेन का काम, देखो मेरे चारों साइड पे, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ये फोर लेन बन रहा है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जसूर को। जसूर एक स्मॉल टाउन है, बट यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है। तो जसूर के 4 किलोमीटर बाद आएगा एक प्यारा सा शहर जिसका नाम है नूरपुर। तो अभी हम आपको सीधे नूरपुर मिलते हैं। अभी हम आ गए हैं नूरपुर, तो ये मोड़ के बाद एक प्यारा सा शहर है जिसका नाम है नूरपुर। और नूरपुर में भी एक बड़ी प्यारी सी मतलब जगह है, एक बहुत प्यारा फोर्ट है, लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एक बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है। आप अगर आप समर्स में आना चाहते हो तो समर्स में आप इवनिंग में आएँ, और लेकिन अगर आप विंटर में आना चाहते हो तो विंटर में आप एनी टाइम धूप, मतलब दोपहर में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर समर्स में आओगे तो आपको पता चलेगा कि गर्मी क्या चीज़ है। तो समर्स में जब भी आओगे तो इवनिंग में ही आना। एंड यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता। एंड मेरे पास कुछ पिक्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो फोर्ट एक्चुअल में दिखता कैसे है। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा इसका एक्यूरेट रास्ता कौन सा है जो आपको ऊपर किले तक लेके जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो बाज़ार है स्टार्टिंग वाला, इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद आगे ध्यान से देखना, मैं रास्ता बिल्कुल अनकट रखने वाला हूँ, वो कुछ भी एडिटिंग नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिक्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ नूरपुर किले के, वो आप एक बार देख लो ध्यान से, ताकि आपको इजी रहेगा, अंडरस्टैंड रहेगा कि कौन सा रास्ता है उसके लिए सही है। वैसे सिटी के बीच में से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे फोर व्हीलर नहीं जाएगा। तो ये जो रास्ता जा रहा है बाहर बाहर से, मैं आपको बाहर बाहर से बताता हूँ कि आपको जाना कहाँ है। तो ये जो आप पिक्स देख रहे हो ये है एंट्री गेट नूरपुर का, नूरपुर किले का। एंड बहुत ही प्यारी तस्वीर है, ग्राउंड है यहाँ पे, एक प्राचीन मंदिर भी है। एंड अभी मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो ये बाहर बाहर से रास्ता रहेगा, मैं ये जो शॉट है, ये जो क्लिप है, ये मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। थोड़ा सा लंबा है बट आपको ईजी रहेगा समझने में। अभी जैसे मैं पठानकोट से मनाली की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे राइट साइड में टर्न आएगा। अगर आप मनाली से पठानकोट की तरफ आ रहे हो तो आपके लेफ़्ट साइड में टर्न आएगा, ठीक है। तो अभी आप बस देखते जाओ, एंड आगे एक कट आने वाला है। एंड सच्ची बताऊँ यार, आज गर्मी तो ठीक ठाक लग रही है, बहुत ख़तरनाक वाली। तो मेरे लेफ़्ट साइड में एकदम डीप खाई है, एकदम डीप खाई भाई, यही तो है हिमाचल में। तो अभी बस एक टर्न और है, एक टर्न के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि रास्ता जो है वो आपको कहाँ से टर्न करना है। अगर आप टू व्हीलर पे हो तो भी गाड़ी ऊपर चली जाएगी, फोर व्हीलर पे हो तो भी इजीली चली जाएगी, बट आपको शहर के बाहर से जाना है तो आपको इजी रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना चौक, ये तो राइट साइड को जा रहा है ऊपर को रास्ता, ये चला गया नूरपुर किले की तरफ। यहाँ पर आप इवनिंग में आए,
आपके लिए बहुत प्यारा है। यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी फैमिली के साथ आप एनी टाइम आ सकते हो। तो जैसे अभी आपने पीछे देखा कि नूरपुर में फोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब नूरपुर का किला, वैसे एक खुशीनगर में भी एक इको पार्क बनाया हुआ है जो कि नूरपुर से आई थिंक 2 किलोमीटर है, और वो भी पार्क बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। एंड वो पार्क पड़ता है इस रोड के राइट साइड पे। आप देख रहे होंगे कि ये जो राइट साइड पे जो बना है ना, ये सारा का सारा इको पार्क बना है। एंड ये जो वॉल है ना, ये सब इको पार्क के अंडर ही है। यहाँ पे आप पार्किंग करके घूम सकते हो, बहुत प्यारी जगह है। ये जंगल था पूरा ये एरिया, जिसको एकदम कट करके साफ कर दिया भाई। ठीक है, अगर आप 4 लेन बना रहे हो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा भाई। मैं मना भी कर दूंगा तो भी क्या होगा, 4 लेन नहीं बनेगा क्या? 4 लेन तो बनेगा ही भाई, लेकिन जो वाइब थी ना हिमाचल आने की, वो ना ख़त्म हो गई अभी। मतलब मैं 40 किलोमीटर आ गया हूँ, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं हिमाचल में हूँ। मैं पता नहीं कौन से प्लेन रास्ते में चले जा रहा हूँ, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी है। 2-3 बार मैंने रुकना था, मैं बस यही वेट कर रहा था कि कोई पेड़ आता है वहाँ रुकते हैं, भाई दिख ही नहीं रहा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। बुरी हालत है यार, मतलब मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मैं हिमाचल में हूँ। और मज़ा तो तब है ना कि यार 4 लेन बनने के बाद अगर पेड़ चारों तरफ लगाओ तो हम समझे कि हाँ। एंड ये भी एक छोटा सा कस्बा था भाई, फुल जंगल था ये भी। यहाँ भी पूरा सुनसान हो रखा है। मतलब मैं 16-17 में आया था, उसके बाद बीच में भी आया था, तब भी इतनी कटिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस बार तो भाई इन्होंने पूरा ही उजाड़ के रख दिया हुआ है। अगेन ऑफ रोड, तो भाई बुरी हालत है। ये भी भाई फुल जंगल था, सिंगल रोड, और क्या ही बोलूं यार मैं, मेरे पास कुछ भी वर्ड्स नहीं है। मैं आई थिंक अभी मैं आ गया हूँ 50 किलोमीटर्स तक आ गया हूँ, और सच्ची में मेरे को बिल्कुल नहीं फील हो रहा भाई। हाँ, मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी ना, सब गाड़ियों में ना AC लगे हुए हैं। और मैं जब पहले आता था ना, मतलब जैसे चक्की पुल जो पंजाब को कनेक्ट करता है हिमाचल के साथ, वहाँ से जैसे एंटर करते थे ना, तो इतने पेड़ होते थे भाई, ऑटोमेटिक AC बंद हो जाता था, विंडो नीचे, और वादियों का मज़ा। लेकिन अब तो अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है 32 मील। एंड ये जो आप सीधा रास्ता देख रहे हो ना, ये वाला, यहाँ से सीधा चला जाता है मनाली को। एंड राइट साइड हम जाएंगे बगलामुखी मंदिर, तो अभी हम रोड क्रॉस करते हैं देख के। एंड ये जो सामने जो रास्ता जा रहा है बगलामुखी मंदिर को, ये एकदम नीट और एकदम क्लीन है। आपको इस रोड में बहुत मज़ा आएगा राइड करने में और अपनी कार में ड्राइव करने में, बिकॉज़ ये रोड थोड़ा सा नैरो है, आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा, बट एकदम नीट है, कोई डस्ट नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा रोड है। एंड इस रोड से आपके 20 किलोमीटर भी बचेंगे। एंड बस इस मौसम का और इस रोड का मज़ा लो, एंड हम मिलते हैं आपको आगे। भाई का रात को कॉल आया कि जाना है सुबह, पेंट से ही कर लेंगे। भाई धूप बहुत तेज है, अभी हम है ऑन द वे, यहाँ से हाफ रह गया है, आई थिंक 40 या 45 किलोमीटर रह गया। जहाँ का रहे हैं हम, जा रहे हैं बगलामुखी मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा फेमस है मंदिर। एंड ये अपने पिलियन राइडर भाई, कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। हाय, कौन है? मैं वो प्लेयर है सर, भले गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो भाई ये है अपना बुलेट 350 रॉयल एनफील्ड। पार्टी दी आ रही है, ये किसकी बनियान है तेरी है? भाई ये देखो, घर का कपड़ा लगाता है भाई, अपना कपड़ा लगाता है ये अपनी बाइक के लिए। सही है, वो भी फटा हुआ। सही है, तो भाई अपनी चमकती धमकती बुलेट 350 बड़ी अच्छी चल रही है अभी तक। अभी हम निकलते हैं आगे को और फिर ब्रेक लेते हैं, एंड फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। तो
तो राइड पे तो यार बहुत मज़ा आ रहा है। एंड जो बंदा दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं और स्टेट से आ रहे हैं, पठानकोट में अगर वो उतर रहे हैं, तो पठानकोट से वो बाय बस और बाय अपनी पर्सनल टैक्सी या कैब करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। मोहित भाई गाने के साथ तो खाना वाना खाने के बाद और एक अच्छी चाय पीने के बाद भाई कितना प्यारा व्यू आ गया है। एंड लुक यार, और यार ये रोड सच्ची में बड़ा प्यारा है। अब लग रहा है भाई मैं हिमाचल में, इतने ज़्यादा टर्न्स वगैरह और एकदम भाई साहब अच्छी अच्छी हवा आ रही है। और यार ये जो व्यू है ना बहुत प्यारा व्यू है ये। इस रोड पर सच्ची में आपको बहुत ज़्यादा व्यू मिलेंगे देखने को, पिक करवाने को, एंड बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको ना सीनरीज वगैरह मिलेगी। तो जो मतलब कि 32 मील से आपको सीधे कांगड़ा से 25 किलोमीटर थोड़ा सा आगे निकालेगा बगलामुखी रोड पे। भाई सच्ची में बहुत प्यारा रोड है ये वाला। अब करेंगे मोहित भाई राइड और हम बैठेंगे पीछे और हम लेंगे अब वादियों का आनंद। तो अपने मोहित भाई तो अब भाई बुलेट चला रहे हैं एंड मैं बैठा हूँ पीछे। एंड कुछ ऐसे शॉट्स लिए हैं मैंने, मुझे कमेंट करके बताना कि ये शॉट्स आपको कैसे लगे। कुछ 360 लाइक मैंने कैमरा हाइट पे पकड़ा हुआ था कि थोड़ा मतलब कि और आपको अच्छा व्यू मिल जाए देखने के लिए। एंड पीछे का व्यू कुछ इस तरीके से है और ये फ्रंट का। तो यार ये जो रोड हमने चूज़ किया ना, इस रोड पे हमें बहुत प्यारी प्यारी सीनरीज मिली हैं, बहुत प्यारा व्यू मिला है। एंड लुक ये ओल्ड ब्रिज भी इसी के साथ है, ओल्ड स्कूल टाइप में रॉप के साथ पूरा टाई किया हुआ है इसको भी। कसम से बहुत प्यारा लग रहा है ये। एंड नीचे रिवर है, अगर टाइम होता तो भाई हम नहाते भी वहाँ पर। ओ मैन अगेन ऑफ रोडिंग। तो भाई जो लेफ्ट साइड से रोड आ रहा ना, ये आ रहा है कांगड़े वाली साइड से, पीछे जो मेरे रोड है कांगड़े वाली साइड से आ रहा है। एंड अब हम निकल रहे हैं आगे सीधे बगलामुखी मंदिर, यहाँ पर भी रोड का काम लगा हुआ है। अगेन हमें ऑफ रोडिंग मिल चुका है तगड़ा वाला। अरे यार ये दुख काहे ख़त्म नहीं होते पे। तो इस रोड को क्रॉस करते हैं एंड कोई अच्छी सी लोकेशन आती है देन कैमरा ऑन करते हैं। तो अगेन आगे एक और चौराहा है, चौराहे से हमने राइट लिया है, जो लेफ्ट साइड है वो चला गया शिमला। एंड ये रोड जो हमने पकड़ा ये है माता बगलामुखी मंदिर की तरफ को जाता हुआ रास्ता। रास्ता एकदम साफ़ है, नीट है, क्योंकि ये रास्ता भाई ऑलवेज मेंटेनेंस में रहता है। बाकी तो फोर लेन का काम लगा हुआ है, इस वजह से रास्ते टूटे हुए हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने के बाद सिर्फ हमने 30 किलोमीटर ही आई थिंक नीट रोड पर राइड की होगी। तो मोहित भाई राइड कर रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ आराम से, धूप के मज़े भी ले रहा हूँ और गर्मी के भी मज़े ले रहा हूँ और राइड के भी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मैगी पॉइंट। यहाँ पे आपको भाई 10 रुपये वाली मैगी 60 रुपये 70 रुपये में मिलेगी। सबके अपने अलग अलग रेट हैं यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा टेस्टी तो मिलती नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पर खाई थी, वो एक ही बार खाई थी और वही मेरा लास्ट टाइम था, उसके बाद मैंने नहीं खाई। बट आज फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे वापसी पे। और ऐसा है यहाँ से कुछ व्यू। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं माता बगलामुखी मंदिर। जय माता दी। एंड मेरे राइट साइड पे देख रहे हो यहाँ पे भी आई थिंक होटल का काम लगा हुआ है। तो समझ जाओ कि भाई यहाँ पे ना मतलब पहले इतना ये फेमस नहीं था, लोगों को पता नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड था। एंड अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ रहा है अब। और सच्ची में बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी मतलब कि यहाँ पे ग्रो हो चुके हैं, होटल्स बन चुके हैं, रहने लायक सब कुछ हो गया, पार्किंग है अच्छी, बाइक्स के लिए पार्किंग है ये जो आप देख रहे हो। एंड सामने मेरे मंदिर है, ये गेट है, मेन गेट आगे है मंदिर का। एंड कार पार्किंग आपको आगे मिल जाएगी। तो फाइनली वी रीच्ड एट बगलामुखी माता मंदिर। आपको पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना, एंड दूसरा एपिसोड भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। बाकी वीडियो के साथ बने रहना।
एंड टेक केयर, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बाय बाय।